तो इस वीडियो में हम पफ वाली स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमने नेट ले लिया है, नेट पर हम कटिंग करेंगे। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। जितनी आपको स्लीव्स चाहिए उतनी लेंथ ले लेंगे, उसमें से आपको जो है 1 इंच ऐड कर लेना है एक्स्ट्रा, जो कि सिलाई का मार्जिन रहेगा। जैसे कि 5 इंच की स्लीव आपको तैयार रखना है तो 6 इंच आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हम 6 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। तो जितना आएगा उतना, जैसे कि आपको 3 इंच चाहिए तो आप 4 इंच ले ले, 4 अगर चाहिए तो 1 इंच आप बढ़ा करके मार्किंग करके फिर आप यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इसको जो है मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो चाहे आप पहले कटिंग कर लें, चाहे तो फोल्ड करने के बाद में कटिंग कर लें, तो हम ऐसे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ले लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, जो कि हम प्लेट्स बनाते हैं पफ के लिए। तो 4 इंच हम यहाँ से ले लेंगे, 4 या 5 इंच आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके बाद में जो है आपको क्या करना है कि जो आपकी स्लीव होगी उसका यहाँ से लेंथ लेना है मेज़रमेंट। तो यहाँ से हम ले लेंगे 9 इंच, क्योंकि हम 36 साइज़ की ब्लाउज़ की बना रहे हैं स्लीव, तो 9 इंच ले लेंगे। उसके बाद में गहराई देंगे 3 इंच पर। 3 इंच पर गहराई देने के बाद में यहाँ से हम शेप दे देंगे स्लीव का इस तरफ से। अब जो है इसकी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जिस तरफ से हमने गहराई दी है वहाँ से हम कटिंग कर लेंगे स्लीव्स का शेप देते हुए। तो इधर हमारी चौड़ाई हो जाएगी स्लीव की, और यहाँ पर जो हमने फोल्ड किया था इसको बीच में से अलग कर लेंगे। यहाँ बीच में जब प्लेट्स बन जाएंगी तो पूरी स्लीव्स हमारी अच्छे से आ जाएगी। और चलिए अब हम यहाँ पर सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे से थोड़ा सा छोड़ने के बाद में यहाँ से जो है हमें बिल्कुल सेंटर में प्लेट्स को रखना है। तो जो है सेंटर में ये हमारी प्लेट्स आ जाएंगी। जितना मैंने इस साइड में छोड़ा है उतना ही हम दूसरी साइड में भी छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम बराबर से प्लेट्स बनाते जाएंगे और दोनों साइड में बराबर बराबर पर आपको छोड़ देना है। फिर दूसरी साइड में हम प्लेट्स बना लेंगे।